हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ भाभी का घर, बड़े पापा का घर, अनन्या का घर। मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बोला था कि जो बच गया है घर, वो मैं कल घुमाऊंगी आपको। तो चलिए घूमने चलते हैं। सबसे पहले किसके घर चले, बोलो किसका घर दिखाए सबसे पहले? हाँ, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे हम लोग घूमने। तुम्हारे घर ओखल है एंड जात है। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं अनन्या के घर। अनन्या कहाँ गई? ये बोल रही है कि दी पहले मेरे घर चलिए। एंड एक इधर है ना बड़े पापा का घर, हम उनके घर नहीं जा रहे हैं। मैं कल गांव घूमने निकलूंगी ना, तो मैं आपको उनका घर दिखाऊंगी। उनका भी घर काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा दूर है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। क्या हुआ? फूल यहाँ पे फूल है, तो बोल रही है कि फूल दिखाओ। ये देखिए अड़हल का, ऐसे तोड़ते नहीं है फूल। दिखा दो एक। हाँ, दिखाया। किसको दे रही हो फूल? उसको दे दो। उसको ना, ये बड़े पापा का घर है। वो बड़े पापा मेरे बहुत ज्यादा लोग हैं। ये जो अनन्या है ना, इसके अपने बड़े पापा का घर है। वो लोग यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं अभी चल रही हूँ अनन्या के घर के तरफ। रास्ता दिखाओ अनन्या, किधर से तुम्हारा घर? तो चलो तेते, चलो भाग के चलो। ये जो दीवार है, ये बड़े पापा घर है, जस्ट इसके अपोजिट साइड इसका घर है अनन्या का। एंड ये देखिए हमारे तरफ कितना ज़्यादा अरुई का पत्ता हुआ है, बहुत ज़्यादा है। अनन्या हट जाओ, आगे से गाड़ी आ रही। ये कच्ची सड़क गई हुई है आगे तक। हम पहुँच चुके हैं अनन्या के घर। ये है अनन्या का घर। कहाँ है गागर? ये देखिए गागर लगा हुआ है, वही बोल रही है। इसके घर भी फूल है, हमारे यहाँ सबके घर घर फूल है। इधर थोड़ा सा स्पेस है। ये मेरे बाबा हैं, गए थे डाटा लाने। जो मक्के का पेड़ होता है ना, उसको हम लोग भोजपुरी में डाटा बोलते हैं। ये दादी है, मेरी दादी बहुत सुखी हुई है। पतली दादी, बहुत पतली है, इनसे पतला कोई नहीं हो सकता। अच्छा, क्या दिखाऊं? ये देखिए, डरती नहीं है अनन्या गाय से। एंड इस गाय का बच्चा जो था ना, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, अभी दूसरा होने वाला है। मैं जाऊंगी तो ये मार देगी, लेकिन अनन्या को नहीं मारती है। नहीं मारेगी? अच्छा, मुझे डर लग रहा है। ब्लॉग बंद करके करूंगी, नहीं तो मेरी इज्जत की लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आओ, तुम्हारा घर दिखाए, घर दिखाए। ये देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से लोग आते हैं। एंड इधर गाय वाय रखा जाता है। वो नाद देख रहे हो ना, वो भी गाय का नाद है। दो नाद है, एक इसके पीछे है। मैं डर के मारे जा नहीं रही हूँ। ये अमरूद का पेड़ है, ये भी कटहल का पेड़। एंड एक वहाँ पे छोटा सा रूम टाइप का है। अच्छा, छोटा आम है, ओके। एंड इधर कुछ रखा गया है उस घर में। अनन्या, क्या रखा गया है छोटे वाले घर में? इसमें सीमेंट बालू वगैरह रखा गया है, इसको बस ऐसे ही बना दिया गया है। अच्छा, चूल है, दिखाओ तो। ये भी है ना, ऐसे स्टोर रूम टाइप का बनाया गया है। ये देखिए चूल है, इस पे पखेऊ बनता है। पखेऊ ये दाना होता है गाय को खिलाने वाला। एंड ये क्या है? ये बाल है, ओके। एंड इसमें बहुत अंधेरा है। बाहर चले, आ जाओ, बाहर चलते हैं। ये लीची का पेड़ है, इस पे भी झूला के टाइप का बांधा गया है, लेकिन इस पे अनन्या बैठेगी, टूट जाएगा। ये कौन बांधा है? तुम बांधी हो, ओके, झूलो। एंड ये देखिए, ये है केला का पेड़। हमारे यहाँ घर के सामने केला लगाया जाता है। टूटेगा तो गिर जाओगी अनन्या, डर लग रहा है मुझे कि ये गिर ना जाए। बाबा साइकिल से चलते हैं। चलो, यहाँ भी मशीन है छटकट्टा। ये बांस की सीढ़ी है। एंड ये टोकरी में बाल रखा गया, ये छाटा गया बाल, ये खराब बाल है। ये देखिए, ये तगाड़ी है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये धुआं इसलिए किया गया है, आग लगा के रखा गया है, ताकि इससे मच्छर और माछी ना लगे गाय को। इसको गाय को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। एंड ठंडी के मौसम में ना, गाय को हम लोग ओढ़ाते हैं बोरा का, ऐसे उसको कपड़े बना के सील के उसको पहनाया जाता है। क्या दिखा दूँ? कहाँ है कद्दू? नहीं नहीं, उंगली नहीं दिखाते। नहीं नहीं नहीं, मम्मी बहुत मारेगी। आंटी जी का घर ना काफी अच्छा बन चुका है। ये मेन गेट है, आइए चलते हैं। ये जो सामने वाला है ना, ये हॉल है। यहाँ पे सोफा बेड पूरा लग चुका है, अच्छे से पूरा घर बना हुआ है। यहाँ पे बाबा रहते हैं। पंखा क्या है ये बता तो, क्या है? अच्छा, मीटर लगा है, तो उसको मत खोलो ना। ये कोठरी है, इसमें दो रास्ते हैं जाने का। इसमें अनाज वगैरह रखा जाता है। यहाँ भी ड्रम मिलेगा आपको, टीवी यहीं पे मिल जाएगा।
हमारे यहाँ कोई टीवी देख नहीं रहा है, टीवी पहले देखते थे हम लोग, अभी सबने मोबाइल का यूज करना चालू कर दिया है। किलो है, ओके, तोलने का काम आता है। यहाँ से सीढ़ी जाता है ऊपर की तरफ, एंड ये रहा कल, यहाँ पे कल है। नहान वान का घर यही है, यहीं पे लोग नहा लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। आंटी जी घर झरना लगा हुआ है, ये देखिए हमारे तरफ जो सीढ़ी के नीचे का स्पेस होता है ना, उसका भी यूज हो जाता है अच्छे से। अभी अंदर चलते हैं, छत पे नहीं जाएंगे, पहले घर में चलेंगे, चलो। एंड सामने किचन है, छोटा सा किचन आंटी जी बना रखी हैं। ये दूसरा वाला रूम है, अच्छा इसमें फ्रिज, लेकिन अभी तो पूरा का पूरा अंधेरा है, लाइट नहीं जलाई। इसमें आइसक्रीम रहता है इसका, इस पागल लड़की का आइसक्रीम जमाती है। बंद कर दो लाइट, बंद करके रखी हो, अंधेरा में कुछ नहीं दिख रहा, बंद करो। पहुंच चुके हैं आंटी जी के कमरे में, ये उनका कमरा है, ये बेड एंड यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, रुको, एंड उनका जो अलमारी है काफी अच्छे से बना दिया गया है, इसके अंदर चूहा नहीं जाएगा, काफी अच्छे से हो गया है। एंड इस तरफ दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा उनकी अलमारी, ये है कूलर। एंड दोस्तों अनन्या बोल रही है ना कि तितली दिखाने के लिए, ये देखिए इसने तितली चिपकाया हुआ है, ये अंकल आंटी जी का फोटो है। अभी हम लोग चल रहे हैं छत पे, छत पे क्या है अनन्या, कहाँ है? अच्छा, इसको हम लोग छाटी बोलते हैं, खैची भी बोलते हैं, इसमें रखा जाता है सामान। अच्छा लोहे वाली डिब्बा दिखा दी, ये सूप है, इसे फटका जाता है। अभी चलते हैं ऊपर, अनन्या गेट खोलो। तो फाइनली हम लोग छत पे आ गए, छत पे क्या है बताओ, क्या दिखाने के लिए लाई हो छत पे? हाँ दोस्तों मैं आपको ये दिखाने के लिए बोल रही थी, ये है चक्री, इसको जात बोलते हैं, वो मटका है, पता रख दो फूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, रखो रखो मटका रखो। एंड ये जो चीज है ना, ये बहुत भारी होता है, ये उठाने से भी नहीं उठेगा, बहुत भारी रहता है, हाथ में लग जाएगा, छोड़ दे, तुमसे नहीं उठेगा, छोड़ दो। ये जो चीज है ना, इसमें गेहूं पीसते थे, चना पीसते थे, एंड मक्का वगैरह भी पीसा जाता था। पहले लोग क्या करते थे, इसे पीस के ही खाते थे। दोस्तों ये जो जात है ना, ये पहले के लोग चलाते थे, बहुत ज़्यादा भारी होता है, मेरे एक हाथ से तो हिल तक नहीं रहा था, ये बहुत ज़्यादा मतलब वजन वाला होता है। इसमें आप मक्का, गेहूँ, चावल वगैरह पीस सकते हो। लोग पहले क्या करते थे, ऐसे चलाते थे उसको, पीसते थे, तब जाके खाना बनता था, रोटी वगैरह। एंड औरतों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता था इसको पीसने में, 2-3 घंटे लगते थे ऐसे ऐसे चलाने में। एक आदमी चाहे ना तो नहीं पी सकता, इसमें 2 लोग लगते हैं, क्योंकि एक से तो चलेगा ही नहीं, लोग थक जाएगा, अपने मैं इसको नहीं चला सकती। ये काम दादी वगैरह करती थी, दादी के टाइम पे ये यूज होता था। दादी मुझे बताती हैं कि वो ऐसे पीसती थी, मतलब 3 से 4 बजे वो पीसना चालू कर देती थी, तब जाके रात के 7 या 8 बजे रोटी बनता था, वो भी एक टाइम का। अगर उनको ज़्यादा पीसना है तो करीब 10-11 बजे से काम लगाएंगे, तब जाके मतलब 2 टाइम का अनाज उसमें पीसा जाएगा, ऐसा वाला चीज़ है। और कूदो नहीं, गिर जाओगे तुम लोग छत पे, यार बच्चे बहुत परेशान करते हैं, डर के मारे ना इसमें धक-धक हो रही है कि नीचे नहीं चले जा, क्योंकि छत पे ऐसे बाउंड्री दिया नहीं गया है ना इसलिए। एंड यहाँ पे टाटा स्काई वाला वो भी लगा है, भले लगा ही है, बस इसके कोई यूज नहीं है, अभी सब फोन ही यूज कर रहे हैं। एंड हमारे यहाँ क्या दिखाऊँ, अनन्या का टॉप है दोस्तों, देख लो, जिद कर रही है दिखाने का। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये मेहंदी का पत्ता है, बहुत भारी पेड़ है मेहंदी का, नीचे से ये छत पे आ चुका है। ये जो सामने वाला घर है ना, वो मेरा घर है, एंड ये आंटी जी घर है, ये मेहंदी का पेड़ बीच में है। एंड जिनको मेहंदी लगाना रहता है ना, वो तोड़ के पीस के लगाते हैं, हमारे यहाँ सिलवट लोड़ा भी है, उस पर पीसा जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सिलवट लोड़ा इसको बोलते हैं, सिलवट लोड़ा गाँव में, इस पे ना मसाले वसाले पीसते हैं ऐसे ऐसे। कैसे पीसते हैं अनन्या बताओ तो, हाथ मत तोड़ लेना, ये बहुत भारी होता है, ये देखिए ऐसे चलाते हैं इसको। एंड मुझे आता नहीं है, मैं चाह के भी इसको महीन नहीं पीस सकती, एंड पता नहीं कैसे लोग पीस लेते हैं, मुझसे तो ये पीसा ही नहीं जाएगा। ये देखिए ये है कि उठ जा रहा है एक हाथ से, ये नहीं उठेगा। एंड सबके घर में आपको ये मिल जाएगा गांव में, इससे लोग पीसते हैं, अभी भी लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, पर हम लोग नहीं करते, अब हम लोग मिक्सी का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इससे पीसने में। एंड इसका कोई यूज़ नहीं, इसलिए छत पर रखा गया है। एंड ये जो चीज़ है ना, इसको
छीनी हथौड़े से इसको ऐसे ऐसे मार के लोग धार बनाते हैं तभी पीसा जाता है, वरना इतना महीन कैसे होता। अभी वो लोग आते नहीं है छीनी हथौड़ी लेके, लोहार लोग। ये लीची का पेड़ है, इसको भैया ने लगाया है। एंड इधर नीम का पेड़ है, ये आम वगैरह का पेड़ लगा हुआ है। इसको ईटा से इसलिए कर दिया गया ताकि कोई जानवर ना खा पाए। एंड ये भाभी का घर है, अंदर नहीं जाएंगे, उनके यहाँ कोई गेस्ट आया है। मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा बना हुआ था लेकिन एक दिन बारिश और आंधी पानी था इसलिए ये गिर गया। उनका दो घर है अंदर की तरफ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अभी क्या ना गेस्ट आ जाते हैं ना तो थोड़ी शर्म हो जाती है, वो बोलेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं पागलों की तरह। ये जो घर है ना ये शंभूचा का घर है, मेरे चाचा लगते हैं। एंड इनका घर भी काफ़ी अच्छा है, इनका भी दो रूम उस तरफ है, एक ये है। अभी ये बना नहीं है, अभी ये बन रहा है। ये भी मेरी बहन लगेगी, ये मेरे चाचा की लड़की है, शंभूचा की बेटी है। नाम क्या है, नाम बताओ? सृष्टि। सृष्टि है, किसने नाम रखा है? इसको मैंने ही नाम दिया है सृष्टि, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, मुझे यही नाम जचा इसके लिए। एंड घर पे इसको खुशी खुशी बुलाते हैं, बहुत शर्माती है, बहुत ही प्यारी है, क्यूट सी है, बहुत छोटी है। ये थोड़ी लेट पैदा हुई है। एंड ये भी लेट ही पैदा हुई है, इसीलिए मेरी बहनें जो है ना छोटी छोटी बहनें हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।